कुछ देर बाद सर आते हैं तो ठीक है, वरना एप्लीकेशन तो आज सिग्नेचर होने से रहा, इधर पूरा फुल हो जाता है, तुरंत इधर फुल हो जाता है क्योंकि यहाँ छांव होता है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे 9:19 हो गया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। होली तो अभी खत्म हो गया है और मेरा क्लास भी ओपन हो गया है, तो अभी निकलते हैं। रेडी तो हो चुके हैं, आज बहुत ही ज्यादा तेज धूप है, दोपहर होते होते तो और धूप होने लग जाएगा, तो अब निकलते हैं यहाँ से। यूनिवर्सिटी तो मैं पहुँच गई, लेकिन आज थोड़ा यूनिवर्सिटी खाली खाली लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, वरना इधर जो है अभी फुल हो जाता, स्कूटी से बाइक से फुल हो जाता, लेकिन आज जो है स्टूडेंट उतना नहीं आए हुए क्योंकि कल ही होली था, कल परसों होली था, तो सब चले गए हैं घर, अपने अपने घर चले गए हैं, सारे हॉस्टलर तो घर चले गए हैं, लेकिन बाहर वाले लोग जो है बाहर से जो जो आते थे, जो दूर के हैं, रूम में रहते थे, लॉज में रहते थे, वो लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, इसीलिए अभी कुछ दिन तो ऐसे ही रहेगा, 2-3 दिन बाद सब कोई आ जाएंगे, उसके बाद फिर से भरा भरा लगेगा यूनिवर्सिटी। तो अभी जो है मैं कुछ मिनट पहले ही पहुंच गई, 10 मिनट पहले ही पहुंच गई, क्लास स्टार्ट होने में अभी भी 10 मिनट बाकी है, तो अभी जो है क्लासरूम के अंदर चलते हैं। यहीं पे खड़ी कर देती हूँ आज स्कूटी को, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लेस मिल गया है रखने का, वरना तो मैं उधर साइड रखती थी, इधर पूरा फुल हो जाता है, तुरंत इधर फुल हो जाता है क्योंकि यहाँ छांव होता है ना, और अगर धूप में रखते हैं तो स्कूटी हो या बाइक हो सब धूप के कारण तप जाता है, तो यहाँ आज खाली मिल गया है, यहीं पे रखते हैं और क्लासरूम की ओर चलते हैं। ये आ गया मेरा क्लास 108, यहीं पे अभी मेरा क्लास होने वाला है, लेकिन आज तो पूरा खाली है, केवल एक जन आया हुआ है यहाँ पे, और देखते हैं और कौन कौन आते हैं क्लास करने के लिए। क्लास तो मेरा हो गया EBS का, एनवायरमेंटल स्टडीज का, जो कि 10 बजे से 11 बजे तक था, और अभी इसके बाद जो है 11:15 से मेरा स्टार्ट होने वाला था बेसिक ऑफ बैंकिंग का क्लास, लेकिन आज वो क्लास ऑफ है, अभी मैं क्लासरूम के अंदर ही बैठी हूँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं आए हुए हैं, सब होली की छुट्टियां मना रहे हैं, अभी तक छुट्टी खत्म नहीं हुई है, तो अभी जो है खाली टाइम है मेरे पास, तो मैं एक एप्लीकेशन लिख ली हूँ, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। उसमें क्या है ना कि मैं कोर्स सिलेक्शन के टाइम तो मैं सिलेक्ट की थी ये वाला कोर्स, लेकिन मेरा लिस्ट जो है, मेरा नाम का लिस्ट जो है वहां तक नहीं पहुंचा है, अभी रजिस्टर में मेरा नाम है नहीं, तो मुझे वहां से बताया गया था कि मैं एक एप्लीकेशन लिखूं और मेरे HOD से सिग्नेचर कराऊं, फिर वहां जाके सबमिट करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वहां पे ऑफिस में जो है मुझे सबमिट करना है, उसके बाद मेरा नाम आ जाएगा। तो मैं एप्लीकेशन तो लिख ली हूँ और अभी मेरे पास खाली टाइम भी है, तो मैं चलती हूँ और सर से सिग्नेचर करा के सबमिट करती हूँ। सिग्नेचर कराने के लिए अभी मुझे जाना पड़ेगा 4th फ्लोर, 4th फ्लोर में है हम लोग के डिपार्टमेंट का ऑफिस, तो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि सर अभी आए हुए हैं या नहीं। ऑफिस में तो अभी ताला लगा है, ये है ऑफिस, लेकिन अभी ताला लगा है, सर तो अभी आए हुए हैं नहीं, अब देखते हैं, कुछ देर वेट करते हैं, कुछ देर बाद सर आते हैं तो ठीक है, वरना एप्लीकेशन तो आज सिग्नेचर होने से रहा, इसको फिर बाद में सिग्नेचर कराना पड़ेगा। आज तो यूनिवर्सिटी पूरा खाली खाली लग रहा है, कुछ कुछ प्रोफेसर नजर आ रहे हैं, वरना बच्चे का तो एकदम नहीं के बराबर, हम लोग EBS में भी केवल 5 स्टूडेंट थे, 5 ही स्टूडेंट थे हम लोग, बाकी और कोई नहीं आए हैं, मेरी सारी फ्रेंड लोग भी घर चली गई है, जितनी हॉस्टेलर लोग थी उन लोग आज तो नहीं, देखते हैं कब आती है उन लोग, कब आने का हम लोग का प्लान है, होली में सब घर चली गई है, बस एक हॉस्टेलर यहीं पे थी, वो मेरे साथ बैठी हुई थी आज, बाकी 3 बॉयज और हम लोग बस 2 गर्ल्स थे EBS में, और इसके बाद तो अभी मेरा कोई क्लास नहीं है, मेरा बस EBS का ही क्लास था, और जो मेजर का क्लास है हम लोग का वो भी आज में ही होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ देर बैठते हैं छांव में, पलाश के पेड़ के नीचे में, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है अभी, और कुछ देर सर का वेट करते हैं, अगर सर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं घर के लिए निकलूंगी, क्योंकि इसके बाद तो मेरा कोई क्लास है नहीं, तो यहाँ पे रह के भी कोई फायदा है नहीं, अभी तो मेरी कोई फ्रेंड लोग भी नहीं है, तो थोड़ा अकेला अकेला सा फील हो रहा है, तो देखते हैं सर का वेट करते हैं कुछ देर। एप्लीकेशन तो मैं सिग्नेचर करा ली, असल में मैं बाहर में बैठी हुई थी, उसके बाद एक सीनियर मुझे मिले, वो बताएं कि सर तो ऊपर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो दूसरे रूम में बैठे हुए थे, ऑफिस में नहीं बैठे हुए थे, उसके बगल वाला रूम में बैठे हुए थे, तो मुझे लगा ऑफिस में जब नहीं है, ऑफिस में ताला लॉक है तो सर भी नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगा, और मैं नीचे आ गई थी, तो जैसे ही मुझे पता चला सर ऊपर में है, तो वैसे ही मैं चली गई थी, और अभी सिग्नेचर भी हो गया, मतलब मेरा दोनों काम हो गया, एक एप्लीकेशन सिग्नेचर और एक जो कि मेरा EBS का क्लास हो गया है। तो अब चलते हैं लंच करने के लिए, लंच करने का टाइम भी हो गया, 12 बज गया है, काफी तेज धूप दे रही है अभी, अभी एग्जैक्ट 12 बज रहा है, इसीलिए और भी तेज धूप दे रही है, और इधर अभी सीट जो है, मैं तो छांव में लगा के गई थी स्कूटी, बट अभी धूप हो गया, इधर सीट भी गर्म हो गया है थोड़ा सा, फिर भी लंच करने चलते हैं, फटाफट से लंच कर लेते हैं, उसके बाद देखती हूँ मैं, अभी धूप दे रहा है तो कुछ देर बाद घर के लिए निकलूंगी, हो सकता है मैं लाइब्रेरी भी चली जाऊँ, थोड़ा सा वहां पे बैठ के स्टडी करूंगी, उसके बाद फिर घर के लिए निकलूंगी।
लंच तो हो गया मेरा, मैं लंच कर ली और अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी। ये रह गया हम लोग का लाइब्रेरी और यहाँ पे हमेशा ये खुला रहता है। शाम में कितना बजे तक खुला रहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि संडे भी यहाँ पे खुला रहता है, क्योंकि हॉस्टलर्स तो है ही यहाँ पे, तो कभी भी आके उन लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग भी कभी भी आके पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं अंदर चलती हूँ और कुछ देर यहीं पे बैठती हूँ। लाइब्रेरी से तो मैं निकल गई, लगभग एक घंटा मैं लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर ली और अभी जो है धूप भी कम हो गया है तो मैं यहाँ से निकलती हूँ घर के लिए। यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैं खा पी के थोड़ा सा आराम कर ली थी और मैं 2 बजे यूनिवर्सिटी से निकली थी, तो घर पहुँचते पहुँचते मेरा लगभग 3 बज गया था, केवल 15 मिनट बाकी था 3 बजने में, और इसीलिए मैं आराम कर ली थी। अभी हो चुकी है शाम, इसीलिए डुग्गू के साथ मैं आ गई हूँ बाहर गार्डन साइड थोड़ा सा टहलने के लिए। इसको भी नीचे छोड़ देते हैं, घर में ही था मैं जब से यूनिवर्सिटी में थी, इसको मैं घर में ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी कभार ना इधर क्या होता है बिल्ली आती है, इसीलिए मैं इसको बाहर नहीं छोड़ती हूँ। अभी ये उछल कूद करेगा, अभी चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ देर बाद ये उछल कूद करने लग जाएगा, क्योंकि पूरा टाइम ये घर के अंदर में था, अभी अभी इसको बाहर में मैं छोड़ी हूँ। मेरे बगान में भी कुछ कुछ पौधा है, ये सब मैं पानी डालूंगी आज सोच रही थी, बट आज मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। और काफी सारा पौधा है, इसमें तो फल भी देने लग गया है, जैसे ये अनार का पौधा है इसमें भी फूल दे दिया है, एक ही जगह 3-3 फूल दे दिया है, इस जगह 3 फूल दिया है, लेकिन क्या है कि इसमें पानी नहीं डाला हुआ है, धीरे धीरे सूख रहा है, कल या परसों में पानी डाल दूंगी इसमें। और यहाँ पे है तूच का पौधा जिसमें काफी तूच फला हुआ है और कुछ कुछ पका हुआ भी है, पकने पर यह सब काला काला हो जाता है कुछ इस तरह से, और यह सब ऑटोमेटिक गिर जाएगा, अपने आप गिर जाएगा, तो ये सबको तोड़ लेती हूँ मैं। कुछ कुछ रेड है और कुछ कुछ ब्लैक हो गया है और काफी बड़ा बड़ा है ये सब, एक ही तूच काफी बड़ा है, यहाँ पे एक काला है। पौधा में तो और भी तूच था लेकिन मैं इतने ही तोड़ी, मेरे हाथ में जितना आया केवल मैं उतना ही तोड़ी, उतना अधिक अभी खा भी नहीं पाएंगे, रात का टाइम है, रात होने वाला है, मतलब अभी सूरज भी लगभग डूब गया। और ये डुग्गू जो है घर जाने के लिए व्याकुल हो रहा है, गेट अभी अगर खुला रहता तो ये घुस जाता, गेट के पास जाता है फिर घूम के आ जाता है। जाके मैं गेट को खोल देती हूँ, बेचारा कब से खड़ा है वहां दरवाजे के सामने में। घुस गया अंदर, अब बाहर मत निकलना, अभी रात हो गया, चलो अंदर चलो। सूरज तो पूरा पूरी डूब गया और अभी हो रही है रात, इसीलिए मैं जा रही हूँ किचन डिनर बनाने के लिए, अभी से ही बनाना स्टार्ट करूंगी, तो सही टाइम में मेरा डिनर भी बन जाएगा, फिर डिनर करने के बाद हम लोग आराम भी कर लेंगे, क्योंकि कल जो है मुझे जल्दी उठना है, कल भी मेरा यूनिवर्सिटी है तो मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी से रेडी भी होना है, तो जल्दी उठेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एंड यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।